नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और हैंड का और जानेंगे इनके हैंड की कुछ खास बातें। और इन्होंने पूछा है अपने हैंड में एक मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन कि मैरिज में प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्या वजह है और आगे कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम इनके पाम की तरफ देखते हैं। तो इनका पाम एक स्क्वायर्ड पाम है। देखिए इस तरह से जब हम देखते हैं तो इनका पाम एक स्क्वायर्ड पाम है। और इनके पाम में जो कुछ खास बातें, एक तो मंगल काफ़ी उभरा हुआ है और दूसरा एक शुक्र काफ़ी उभरा हुआ है, जिसकी वजह से इनका पाम काफ़ी फ्लफ़ी लगता है। तो जो कि हम आगे जब प्लैनेट्स डिस्कस माउंट्स डिस्कस करेंगे तब हम इन चीज़ों को लेके चलेंगे। और अगर हम देखें हाथ में, यहाँ पर छोटा सा गैप है। ऐसे लोग दुनिया की परवाह थोड़ी कम करते हैं, थोड़े से केयरलेस भी होते हैं ऐसे लोग। और अगर हम देखें, ये देखिए, ऐसे लोग पैसे खर्च करने में काफ़ी आगे होते हैं। कोई भी चीज़ इनको पसंद आनी चाहिए, फ़ौरन दौड़ के पैसा खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। अब देखते हैं इनके हाथ में जो ये फिंगर है गुरु की, ये इधर की तरफ टिल्ट है। ऐसे लोग भगवान में काफ़ी आस्था रखते हैं, काफ़ी रिलीजियस माइंडेड होते हैं। ऐसे लोग, ये कहना चाहिए, धार्मिक विचारों के होते हैं। और इनके अगर हम हाथ में देखें, दोनों फिंगर्स में, ये देखिए, जो गुरु की फिंगर है वो थोड़ी बड़ी आ रही है। जब गुरु की फिंगर बड़ी होती है तो ऐसे में इंसान को थोड़ा सा एक लीडरशिप क्वालिटीज़ ज़्यादा होती है, थोड़ा सा ऑर्डर देने की आदत ज़्यादा होती है ऐसे में। और अगर हम देखें इनकी जो छोटी फिंगर है, फर्स्ट फैलेंस से थोड़ी छोटी होती है, ऐसे में इंसान थोड़े केयरलेस भी होते हैं, चीज़ों की परवाह कम करते हैं। और साथ में जो गैप आ रहा है हाथ में, ये इस चीज़ को स्पेसिफाई भी करता है। चीज़ों को लेके थोड़ा केयरलेस हो जाने की वजह से भी इंसान के जीवन में थोड़ी कष्ट आते हैं। अब देखें इनके हाथ में जो इनका हाथ का जो कलर है, पिंकिश कलर है। यूजुअली जेंट्स में ऐसा पिंकिश कलर नहीं देखा जाता, पर जब ये ऐसा पिंकिश कलर होता है तो धन को तो अट्रैक्ट करता ही है, साथ में ऐसे में इंसान को काफ़ी रोमांटिक भी बनाता है। ऐसे में इंसान काफ़ी, एक तरह से जो फीलिंग्स होती हैं इंसान की, वो काफ़ी रोमांटिक पर्सन जैसी होती हैं। और इनके हाथ में अगर हम देखें माउंट्स की ओर चलें, पहले ये जो गुरु पर्वत है, ये देखिए, ये इस पर क्रॉस तो है पर थोड़ा दबा हुआ है। जब ऐसे दबा होता है तो पारिवारिक सपोर्ट थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा जैसे लव एंड केयर कम मिलती है इंसान को। और गुरु पर्वत, ये देखिए, काफ़ी इतना घेराव लिए हुए है, तो ऐसे में इंसान अच्छा खाने पीने का शौकीन भी होता है। और इनको थोड़ा गुरु से रिलेटेड रेमेडीज़ करनी चाहिए, जिससे कि, जैसे कि जो इन्होंने बताया, पारिवारिक जीवन में भी इनको लाभ मिलेगा। और अगर हम देखें, यहाँ पर एक स्क्वायर फॉर्मेशन है, ये देखिए स्क्वायर फॉर्मेशन है। ऐसे में इंसान को ओल्ड एज में अच्छे घर का, अपने घर का सुख भी प्राप्त होता है। बाकी सूर्य पर्वत पर देखें तो कुछ खास रेखाएं नहीं है, सॉरी, शनि पर्वत पर देखें तो खास रेखाएं नहीं है, और मीडियम डेवलप्ड इनका शनि पर्वत है। अब अगर हम देखें इनकी जो, यहाँ पर सूर्य पर्वत की ओर जाएँ तो यहाँ पर एक छोटी सी इनकी एजुकेशन लाइन निकल कर आती है, जो इनको आगे भी एजुकेशन दिलवाएगी। देखिए थोड़ी सी और हल्की सी निकल के आ रही है, आगे भी एजुकेशन करवा सकती है या कोई छोटा मोटा कोर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए सूर्य पर्वत दबा हुआ है। जब सूर्य पर्वत दबा होता है तो इंसान का कभी कभी फादर से मतभेद होता है और कभी कभी आँखों का चश्मा भी ऐसे में इंसान को मिलता है। और यहाँ पर ये कुछ इस टाइप की गांठ है, ये या तो जिम करने की वजह से है और नहीं तो अदरवाइज़ इंसान को जीवन में निराशा भी दे देती है। देखिए यहाँ पे छोटी सी रेखा इस तरह से आ रही है, सिल्वर सी, तो ये थोड़ी कम अच्छी मानी जाती है। सूर्य पर्वत पर एक तरह का दबा हुआ सूर्य पर्वत रिफ्लेक्ट करती है। अब ऐसे में ये देखिए, यहाँ पर ये जो बुद्ध पर्वत है, काफ़ी अच्छा घेराव लिए हुए है। ऐसे में इंसान जो है जॉली नेचर का होता है, बोलचाल में काफ़ी शार्प, मतलब ये कहना चाहिए कि स्मार्ट होता है बोलने चालने में, बातें बनाने में। और ऐसे में इंसान काफ़ी जॉली नेचर्ड होता है, हंसी मजाक पसंद करता है और जिसे साफ दिल का पर्सन होता है। अब अगर हम इनकी देखें जो रेखा, इनकी मैरिज लाइन देखें, मैरिज लाइन में ये डार्क लाइन ये वाली है, इसलिए मैरिज लाइन हम इसको मानेंगे, तो ये साफ़ है, लेकिन थोड़ा सा एक बहुत हल्का सा फोक टाइप निकल के आ रहा है, जो बताता है विचारों का तालमेल नहीं बैठता। लेकिन ऐसी कोई ख़राब बात मैरिज लाइन नहीं दिखा रही, जिसका इनको डर है। अब लेकिन हाथ में हमें और चिन्ह भी चेक करने चाहिए कि जिससे कि हाथ में पूरी स्थिति क्लियर हो कि
कि क्या चीज़ें प्रॉब्लम दे रही हैं या आगे क्या होगा। अब देखिए, हम अगर देखें यहाँ पर मंगल पर्वत काफ़ी उभरा हुआ है। मंगल पर्वत जब उभरा हुआ होता है तो इंसान हिम्मती साहसी होता है और थोड़ा गुस्सा भी तेज होता है, थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव का होता है कि जो मैंने कहा है वो सब मानो। तो ऐसे में चीज़ें, और एक ये जो अंदरूनी मंगल है यहाँ पर भी ये उभार लिए हुए है, तो ऐसे में इंसान थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव का होता है और उसकी इच्छा रहती है कि सामने वाला उसकी हर बात माने। अब ये देखें यहाँ पर जो चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए हैं यहाँ पर, तो ऐसे में इंसान की इमेजिनेशन काफ़ी अच्छी होती है। अब देखिए, जब इमेजिनेशन अच्छी होती है तो कभी कभी ये कहना चाहिए कि एक उसके अंदर, जैसे अगर पर्सन रोमांटिक है तो थोड़ा सा उसको गाने का शौक भी होता है, कविताओं का गाने का शौक होता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो शुक्र पर्वत है काफ़ी उभरा हुआ है, काफ़ी गोल घुमाव लिए हुए शुक्र पर्वत है ये देखिए। तो ऐसे में पर्सन में एक रोमांटिक क्वालिटीज़ देखी जाती हैं, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहन सहन और एक तरह का लग्जरियस लाइफ उसको पसंद होती है, और बाहर आउटिंग करना, म्यूज़िक, डांस, पार्टी ऐसों के शौकीन होता है। चंद्र और वीनस, ये जो शुक्र पर्वत, ये दोनों चीज़ें पार्टी, डांस, इन सबको सपोर्ट करते हैं, और ये कहना चाहिए कि अच्छा लाइफस्टाइल को भी सपोर्ट करते हैं। और ये देखिए, अगर हम इनके अंगूठे की ओर चले हैं तो अंगूठा इनका, ये देखिए, पीछे की ओर मुड़ रहा है, तो एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है, एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है। तो ये देखिए, पीछे की ओर मुड़ जाना, यानी कि थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। ऐसे लोग कोई भी किसी की अच्छी बात देखते हैं तो अपने आप में अंदर लाना चाहते हैं कि हाँ, अगर सामने वाले की बात अच्छी है, उसकी कोई आदत बहुत अच्छी है, तो मुझे भी उस आदत को अपनाना चाहिए। और ये देखिए, रेखा बिल्कुल सीधी है, और अगर यहाँ पर देखें विल पावर थोड़ी सी कमज़ोर है। लॉजिक पावर अच्छा है इनका, विल पावर में कमज़ोर पड़ जाते हैं। जो बात सोचते हैं उसके बाद, उस थोड़े टाइम बाद वो उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, अरे छोड़ो मैं क्यों करूँ, या रहने देते हैं, फिर कभी देखेंगे, ऐसी स्वभाव होता है ऐसे लोगों का। अब हम चलते हैं इनके हाथ में रेखाओं की ओर। उससे पहले हम एक नज़र इनके लेफ्ट हैंड पर भी डालेंगे कि लेफ्ट हैंड इनका क्या कहता है। लेफ़्ट हैंड पर नज़र डालने पर दिखता है इनके कि सेम स्थिति राइट हैंड जैसी ही हैंड पे है, उसी तरह का गैप है, शेप भी वही है फिंगर्स की। और ये देखिए, ये गैप सेम एज इट इज़ है, ये गैप सेम एज इट इज़ इस हैंड में है। और भी चीज़ें अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सेम इनके हाथ में दिखाई दे रही हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है दोनों हाथों में। और देखें, अगर हम हृदय रेखा बिल्कुल सीधी जा रही है इस तरह से, और उसमें से एक रेखा इस तरह से निकल के आ रही है और एक रेखा इस तरह से यहाँ टच कर रही है, जो जीवन में परेशानी के बारे में बताती है। हार्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर हृदय रेखा में से इस तरह से ब्रांचेस निकल रही हैं तो वो इंसान के दिल को दुख देती हैं, परेशानी देती हैं। और ये देखिए, इसी तरह से सारे माउंट्स, अगर हम देखें शुक्र यहाँ भी काफ़ी उभरा हुआ है, और यहाँ पर भी चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए है, मंगल पर्वत भी ये उभार लिए हुए, जैसे उस हाथ में देखा था हमने, उसी टाइप का मंगल पर्वत भी हम देख सकते हैं। अब लेकिन जो इनका राइट हैंड होता है जेंट्स का, वो हम देखते हैं कर्म करने का हैंड राइट हैंड होता है, इसलिए मेन हैंड से ही जो भी कोई हम बात समझेंगे वो हम राइट हैंड से ही समझेंगे। ऑलमोस्ट इनके हाथ में, दोनों हाथों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, तो इसलिए हम वापस राइट हैंड की ओर चलेंगे। अब देखिए, हम चलते हैं इनकी लाइफ लाइन की ओर। लाइफ लाइन बताती है कि लाइफ यहाँ पर इनकी जो है 20s के आसपास एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रही है, जो इनको काफ़ी लाभ मिला होगा। ऐसी कुछ प्रोग्रेस लाइंस भी यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो इनको जीवन में लाभ दिलवाया होगा। अब देखिए, यहाँ पर भी एक रेखा निकल रही है जो अराउंड 30 के आसपास भी इनको लाभ दिलवाएगी। और ये देखिए, रेखा थोड़ी सी मोटी हो रही है, जो इनको थोड़ा सा टेंशन भी दे रही है कि आगे जीवन में क्या होगा। ये देखिए इस तरह से, और आगे जाके जीवन में ये लाइफ लाइन इस तरह से ऐसे मुड़ रही है, और इस तरह से थोड़ा सा डिमिनिश हो रही है, जो थोड़ा सा इनके लिए कुछ कष्टकारी भी हो सकती है, थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी दिखा सकती है। अब अगर हम हाथ में देखें इनकी भाग्य रेखा को देखें, ये इनके 40, अगर हम ये देखें, ये 40-45 के आसपास थोड़ा सा कष्ट दिखा रही है। और अगर हम इनकी भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा इनकी
भाग्य रेखा दिखा रही है, यहाँ पर देखें भाग्य रेखा निकल रही है और यहाँ पर जाके 2022 के आसपास थोड़ा चेंज है, फिर यहाँ से जाके थोड़ी सी धीमी हो रही है, यानी कि लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल है लेकिन चीज़ें काम करेंगी, बनती रहेंगी, हल्की है भाग्य रेखा लेकिन चलेगी आगे। देखिए इस तरह से भाग्य रेखा चलती जा रही है, चलती जा रही है, तो जीवन में इनकम के स्रोत बने रहेंगे, काफ़ी अच्छे से ये आगे बढ़ पाएंगे जीवन में। और अब हम चलते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा की ओर। मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी परेशानी देने वाली लगती है, ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखें मस्तिष्क रेखा को हम देखेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे कट्स दिखाई देते हैं। जब मस्तिष्क रेखा में इस तरह के कट्स आ जाते हैं तो ऐसे में इंसान जीवन में थोड़ी परेशानियाँ झेलता है, सीधे उसके बाद मस्तिष्क रेखा ऐसे चलने लगी, लेकिन 30-35 के आसपास आते साथ ही उस पर एक दबाव दिखाई दे रहा है और मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर गिर रही है। जब मस्तिष्क रेखा का नीचे की ओर गिरना एक अच्छा संकेत नहीं होता है, और जैसे कि मैरिज लाइन में लाइफ में इन्होंने प्रॉब्लम बताया तो ये प्रॉब्लम को बढ़ावा देता हुआ दिखाई देता है, तो इसलिए इसी को ही समझदारी से काम लेना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ों को टैक्टफुली मैनेज करना पड़ेगा। तो ये जो मस्तिष्क रेखा नीचे गिरने का और संकेत है, ये देखिए नीचे गिरने का, देखिए नीचे गिरने का संकेत है, ये एक तरह की परेशानी, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन दिखा रहा है, जिसके लिए इनको थोड़ा सोचना चाहिए कि जैसे कि चीज़ें लाइन पर आए, प्रॉब्लम सॉल्व हो, लाइफ में प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। और अगर हम देखें यहाँ पर जाके जब मस्तिष्क रेखा नीचे गिर रही है, फिर से मस्तिष्क रेखा एक यहाँ से फॉर्म हो रही है, कुछ इस तरह से फॉर्मेशन ले रही है, तो ऐसे में इंसान की लाइफ में बाद में जाके चीज़ें संभलनी शुरू होती हैं। यहाँ पर लेकिन अगर हम देखें कुछ 30 के आसपास, अगर हम देखें इनकी यहाँ पर, ये देखिए इस पोर्शन पे ध्यान दें तो ये एक तरह से बताता है 25 से लेके 35 तक का टाइम पीरियड जो है हार्ड है। ये देखिए ये इस टाइप से ये पोर्शन दबाव आ रहा है इस पे एक प्रकार का। इस पोर्शन को और ध्यान से देखें तो इस पे दबाव आ रहा है, इस तरह का सूजन टाइप, किसी ऐसा लग रहा है किसी ने प्रेस किया हुआ, कुछ लाली टाइप की सी आ रही है, तो वो एक दबाव दिखाई दे रहा है। आगे जाके मस्तिष्क रेखा 30 के आसपास आती आती और गिर रही है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है, ये इंडिकेशन सही इंडिकेशन नहीं है। और अगर हम देखें हाथ में, और नीचे गिरते गिरते भी दबाव एक दिखा रही है, तो ये चीज़ थोड़ा सा अशुभ संकेत है, हाथ में नीचे गिर जाना यानी कि कुछ मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी को दिखाती है। और अगर हम देखें अब इनकी हृदय रेखा की ओर चलते हैं, हृदय रेखा की ओर जाने के लिए ये देखिए हृदय रेखा में से छोटे छोटे ऑफ शूट्स निकल रहे हैं, जिसकी वजह से जो बताती है कि लोगों की काफ़ी मदद करते हैं, फिर भी ये देखिए थोड़ा सा एक तरह से बुराइयाँ ही मिलती हैं। अब अगर हृदय रेखा देखें यहाँ आगे जाके पतली साफ़ सुथरी होके इस तरह से थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, पतली होके साफ़ सुथरी होके ये देखिए इस तरह से दो भागों में बट जाती है और एक इधर जाके इधर निकल जाती है। इस तरह से हृदय रेखा का मंगल की ओर जाना एक अच्छा लक्षण नहीं होता, आगे गुरु पर्वत तक जाना अच्छा माना जाता है कि लाइफ में एम्बिशियस होते हैं, चीज़ों को संभाल पाते हैं, अपने ड्रीम्स फुलफिल कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर जाना थोड़ा सा अशुभ लक्षण है। इनको बता दिए जाएंगे कुछ उपाय जो इनको फॉलो करने चाहिए। ये था इनके हाथ का विश्लेषण। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।